अच्छा जी, अब हमारे पास अनस आ रहे हैं। अनस आ जाए तो मैं तालियां बजा अनस के लिए। अच्छा जी अनस, माइक पर पहले तो अपने बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और फिर बताएं टॉपिक क्या है आपका प्रेजेंटेशन का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं कुछ टाइम पहले एक सैलानी से ही मैंने पाइथन का कोर्स किया था और तभी मुझे कोडिंग का शौक हुआ। और सुबह के टाइम मैं एक स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ एज अ कुरान टीचर, तो जो प्रेजेंटेशन सर ने दी थी फ्लोटिंग पॉइंट पे, तो मैंने उस पर प्रेजेंटेशन बनाई है सर। तो एक नंबर है जो है 10, अब बाइनरी इसमें इसको कन्वर्ट करना है तो इसकी जो है वैल्यू जो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगी वो होगी 1010 इसी तरीके से, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में ही कंप्यूटर समझ पाएगा कि वो क्या है। इसी तरह इमेज ऑडियो वीडियो भी बाइनरी में ही स्टोर होती है जो हमने पढ़ा था सर। एग्जाम्पल हमने मैंने ले ली है कि 10.75 डेसिमल है और उसकी बेस जो है वो है 10 कैसे है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये टोटल जो काउंट हुए तो ये हो गए 10। इसी तरह बाइनरी की भी बेस होती है, वो होती है 1 और 0 इसी तरीके से। अब जो है 10.75 अगर मैं इसका जो पॉइंट है जो ये पॉइंट था, अगर इसको मैं इसको लेफ्ट पे लेकर आता हूँ तो जो इसका जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि मैंने एक पॉइंट आगे बढ़ा है और वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि लेफ्ट पर आया है। इस तरीके से अगर दो पॉइंट आगे हो तो उसका एक्सपोनेंट जो है पावर जो है उसकी 2 हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव रहेगी। नेगेटिव तब होगी तब जब वो राइट पर आएगा, ये पॉइंट जब इधर था 7 पर और 7 से एक पॉइंट आगे गया तो -1 एक्सपोनेंट हो गई। और इसका जो मैंटिसा है ये उसका मैंटिसा हो गया और 10 जो थी उसकी बेस और ये उसका एक्सपोनेंट हो गया सर। इसमें ना फ्लोटिंग पॉइंट जो था उसकी डेटा टाइप थी वेरिएबल नेम जो आइडेंटिफायर करेगा यूजर के लिए, और जो 4 बिट जो साइज रहेगा मेमोरी के अंदर, तो 4 बाइट्स जो थे उसकी मेमोरी के अंदर गए तो 32 बिट्स हो गए। तरीके से टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 4 बिट 32 बिट्स मेमोरी विल बी एलोकेटेड इन कंप्यूटर सर। ये 32 बिट्स हैं और जो पहला जो बिट है वो होगा साइन के लिए जिसके अंदर वैल्यू आएगी 1 या 0। 0 इसकी होगी क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर होगा, जब पॉजिटिव होगा तो 0 और जब 1 होगा तो माइनस में। जो एग्जांपल ली थी 10.75 वही। ये जो 8 बिट्स हैं ये हो गए एक्सपोनेंट के लिए और 32 बिट्स मेंटिसा या सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे। इसी तरह जब इनको प्लस किया तो 32 बिट्स बन गए। स्टेप 1 के अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि जो नंबर है उसको पहले हमें की जो पॉइंट से पहला जो नंबर है इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका 1010 हो गया है, जो है 10 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, जो कि पॉइंट के बाद जो नंबर है 75 जो है तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आया 1 और फिर आंसर आया 1.5 जिसका हमने 1 अलग कर लिया और जो 0.5 था उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो फिर 1 आ गया, तो टोटल हो गए 1 1। तो ये जो बाइनरी नंबर हुआ ये हो गया 75 का। इसी तरह इसकी जो बेस थी 10.75 की जो बेस थी वो थी 10 और इसकी जो बेस बनी 1010.11 ये हो गई इसकी 2 बेस क्योंकि बाइनरी की बेस 2 थी। इस तरीके से सेकेंड स्टेप के अंदर इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, जो पॉइंट था वो हमें शिफ्ट करना है इतना कि आखिर में 1 बचा है, तो पॉइंट यहाँ से उठ के इधर आ गया कितने स्टेप में 1 2 3 स्टेप में। तो इसका ये हो गया मेंटिसा और ये जो 2 था जो उसकी बेस थी ये उसकी बेस हो गई और कितना आगे आया पॉइंट 1 2 3 तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंट। और थर्ड स्टेप के अंदर एड 22 टू एक्सपोनेंट, तो हमें 22 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो है 2n की पावर -1 और -1। तो n जो था वो था 8 बिट्स क्योंकि जो मेमोरी की जो बिट्स थी वो थी 8 जिसके अंदर एक्सपोनेंट आएगा, तो इसका जो हो गया 10 2 की पावर 8 -1 -1। तो -1 8 -1 7 और 2 की पावर जो 7 थी उसके बाद जो उसको मल्टीप्लाई करवाया तो 28 हो गया, 28 माइनस के बाद ये हो गया 7 और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 28 और -1 के बाद 127 प्लस 3 क्यों, क्योंकि वो 3 स्टेप आगे आया है पॉइंट, तो उसके बाद उससे प्लस करवाया 130 सर। साइन जो थे उसके अंदर 0 वैल्यू क्योंकि वो प्लस की थी पॉजिटिव वैल्यू थी और जो 22 जो
और जो एक्सपोनेंट था वो ये आ गया 1000100, ये उसका एक्सपोनेंट था, ठीक है। और जो मेंटिसा जो था उसका 32 बिट्स जो टोटल जो बन रहे थे उसका मेंटिसा ये आ गया 01011 की जो उधर बना था टैन का उस पर। तो ये बाकी जो जितनी भी थी उसकी मेमोरी की जो बिट्स थी वो सारी जीरो हो जाएंगी। थैंक यू। Gracias.